गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर को रीड करेंगे। तो व्हाट आर मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मींस होता है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट क्या है। चलिए पढ़ते हैं। रैम, रैम इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब डिस्क्रिप्शन में देखिए, रैम इज लाइक द कंप्यूटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या है ये रैम मेमोरी? कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मतलब छोटी अल्पकालिक मेमोरी की तरह है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर डू थिंग्स क्विकली व्हाइल इट टर्न ऑन। ये क्या करती है? यह कंप्यूटर चालू रहने पर कार्य को जल्दी से करने में सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू प्ले अ गेम, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो रैम हेल्प्स द कंप्यूटर्स रन टू स्मूथली। तो ये जो रैम है, रैम मेमोरी कंप्यूटर को मतलब आराम से चलाने में मदद करती है, इसको हम रैम मेमोरी कहते हैं। फिर सेकंड क्या है हमारी? स्टोरेज, हार्ड ड्राइव और SSD, इसको क्या बोलते हैं? हार्ड ड्राइव या SSD बोलते हैं। तो स्टोरेज मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, संग्रह करके रखना, इकट्ठा करके रखना या भंडारण करके रखना। तो स्टोरेज इज लाइक द कंप्यूटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्टोरेज क्या होती है? कंप्यूटर की दीर्घकालिक मेमोरी होती है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली मेमोरी होती है। इट्स कीप्स थिंग्स सेफ इवन व्हेन द कंप्यूटर्स टर्न ऑफ। और यह कंप्यूटर में चीज़ें को सुरक्षित रखती है, जब कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो आपकी चीज़ों को सुरक्षित रखती है। एग्जाम्पल, ऑल योर फेवरेट गेम, जैसे आपका जो फेवरेट गेम हो, पिक्चर एंड वीडियोज आर स्टोरेज ऑन द कंप्यूटर्स स्टोर। मतलब जो आपके पसंदीदा गेम है, चित्र, वीडियो गेम, वीडियो है, कंप्यूटर के स्टोरेज पर संग्रहित करके रखती है। फिर थर्ड हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी दैट स्टोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन द कंप्यूटर्स नीड टू स्टार्ट एंड वर्क प्रॉपरली। तो रोम जो होती है वो क्या होती है? एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो इम्पोर्टेंट जानकारी को इकट्ठा संग्रहित करके रखती है और कंप्यूटर को शुरू करने और ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, द कंप्यूटर यूजेस रोम टू रिमेंबर हाउ टू टर्न ऑन एंड व्हाट टू डू व्हेन इट स्टार्टेस। मतलब कंप्यूटर की है याद रखने के लिए रोम का उपयोग करता है, इसे कैसे चालू करना है और कब क्या बंद करना होता है। अब है इन समरी, रैम, रैम क्या है? हेल्प्स द कंप्यूटर कंप्यूटर थिंक क्विकली व्हाइल इट्स ऑन। रैम है जो कंप्यूटर को चालू रहने के दौरान तेजी से सोचने में मदद करती है, रैम मेमोरी, ठीक है। फिर क्या है? स्टोरेज कीप्स योर फाइल सेफ और लॉन्ग टाइम इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। और जो स्टोरेज है वो आपकी फाइलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है भले ही कंप्यूटर बंद हो। और रोम इज लाइक द कंप्यूटर्स गाइड बुक हेल्पिंग इट स्टार्टेस एंड नो व्हाट टू डू। और जो रोम होता है, रोम मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की गाइड बुक की तरह होती है जो इसे शुरू करने और जानने में मदद करती है कि क्या करना है। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी वर्क टूगेदर टू मेक द कंप्यूटर स्मार्ट एंड रेडी फॉर ऑल योर एक्टिविटीज़। जो विभिन्न प्रकार की मेमोरी है कंप्यूटर को स्मार्ट और आपकी सभी गतिविधियों के तैयार करने के लिए कार्य करती है। व्हाट इज CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज CPU? द CPU इज लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या है? एक कंप्यूटर का ब्रेन है, मस्तिष्क है। इट डज ऑल द थिंकिंग एंड हेल्प्स द कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क। और यह सारी सोच विचार करता है कि कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने में मदद करता था। CPU क्या है? CPU है कंप्यूटर का दिमाग, उसको CPU कहते हैं। व्हेन यू प्ले अ गेम और टाइप ऑन द कंप्यूटर द CPU इज वर्किंग टू मेक श्योर एवरीथिंग हैपनेस स्मूथली।
जैसे कि जब आप कोई गेम खेलते हैं या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो सीपीयू काम कर रहा होता है, और हमको यह करना यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब काम एक सुचारू ढंग से हो, एक अच्छे से हो। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। द सीपीयू इज द स्मार्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट मेक्स इट वर्क एंड डू ऑल द कूल थिंग्स। सीपीयू कंप्यूटर का एक स्मार्ट हिस्सा होता है जो काम करता है और सभी का अच्छे से काम करता है। इट्स लाइक अ कंप्यूटर सुपर हीरो मेकिंग श्योर एवरीथिंग रन्स जस्ट द वे इट्स सपोज्ड टू। और यह कंप्यूटर सुपर हीरो तरह होता है जो यह निश्चित करता है कि सब कुछ वैसे ही चले जैसे वह चल रहा है। व्हाट आर कंप्यूटर रूम मैनर्स, कंप्यूटर के मैनर्स क्या होते हैं कंप्यूटर रूम के? तो क्यूट वॉइस मतलब शांत आवाज़ें, यूज क्वाइट वॉइस इन द कंप्यूटर रूम टू अवॉइड डिस्टर्बिंग अदर्स हु आर वर्किंग। तो अन्य लोगों को परेशान करने से बचने के लिए कंप्यूटर रूम में शांत आवाज़ का उपयोग करना रहता है। क्लीन योर एरिया, अपना क्षेत्र साफ करना रहता है। कीप योर कंप्यूटर एरिया क्लीन एंड टिडी, थ्रो अवे ट्रैश इन द विंस मतलब अपने कंप्यूटर क्षेत्र को साफ सुथरा रखना रहता है, कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना रहता है। शेयर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से कैसे साझा करें? शेयर कंप्यूटर्स विथ योर फ्रेंड्स, डोंट यूज वन कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग इफ अदर्स आर वेटिंग मतलब अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर को साझा करना चाहिए, और यदि एक ही कंप्यूटर का बहुत अधिक समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए दूसरे का जो दूसरे इंतज़ार कर रहे होते हैं। बी काइंड एंड हेल्पफुल, दयालु और मददगार बने। बी काइंड टू योर फ्रेंड एंड हेल्प देम इट दे नीड असिस्टेंस विथ द कंप्यूटर मतलब अपने दोस्तों के प्रति दयालु रहना चाहिए, उन्हें सहायता की आवश्यकता हो उनकी हेल्प करना चाहिए। लिसन टू द टीचर, शिक्षक की बातें सुने। लिसन टू द टीचर इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम व्हेन यूजिंग द कंप्यूटर्स मतलब उपयोग करते समय टीचर के निर्देशों को सुनना और उनका पालन करना चाहिए। आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगे। इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, दे आर देयर असिस्ट यू। आप यदि यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है तो अपने टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। नो फूड नो ड्रिंक्स, अवॉइड ब्रिंगिंग फूड और ड्रिंक्स नियर द कंप्यूटर टू कीप देम क्लीन एंड सेफ मतलब कंप्यूटर को साफ रखने के लिए उसके पास खाने या पीने का कोई सामान नहीं लाना चाहिए। टर्न ऑफ व्हेन डन, पूरा होने पर ही बंद करना चाहिए। टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड मॉनिटर व्हेन यू आर फिनिश्ड यूजिंग देम मतलब जब आप कंप्यूटर और मॉनिटर का उपयोग हो जाता ना समाप्त हो जाता तो उन्हें बंद करना चाहिए। यूज योर ओन अकाउंट, अपने स्वयं के खाते का यूज करना चाहिए। यूज ओनली यूर ओन लॉगिन एंड पासवर्ड एंड डोंट टच एनीवन एल्स कंप्यूटर विदाउट परमिशन मतलब केवल अपने लॉगिन और पासवर्ड का यूज करना चाहिए और बिना किसी के अनुमति के कंप्यूटर को नहीं छूना चाहिए। बी पेशेंट, धैर्य रखना चाहिए। बी पेशेंट एंड वेट यूर टर्न इफ़ ऑल द कंप्यूटर्स आर इन यूज सभी यदि सभी कंप्यूटर उपयोग में है तो धैर्य रखना चाहिए और अपनी टर्न का अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। फिर क्या, रिमेंबर, याद रखना चाहिए हमको कि द कंप्यूटर रूम इज ए पैलेस ऑफ लर्निंग एंड हैविंग फन द टेक्नोलॉजी कि कंप्यूटर जो है वो सीखने और मनोरंजन करने का स्थान है। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स यू एंड योर क्लासमेट कैन एंजॉय यूजिंग कंप्यूटर्स टूगेदर और आप सारे नियमों का हमको पालन करना चाहिए और हमारे जो फ्रेंड्स हैं और उनके साथ इसका यूज करना चाहिए। इस तरह कंप्यूटर रूम के कुछ रूल्स होते हैं। अब डूस एंड डोंट्स ऑफ वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ये हम बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।